తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మె వల్ల టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ పాలన గాడి తప్పిందని ప్రజాసత్తా పార్టీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ ఏకే త్యాగి అన్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు, ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రభావంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పాలవుతున్నారని, ఆర్టీసీ కార్మికులతో చర్చలు జరపకుండా పంతానికి పోవటం సరైంది కాదు అన్నారు. రాష్ట్రంలో ఆర్టీసీ సమ్మె ప్రభావం వల్ల ప్రజలు, పాఠశాల విద్యార్థులు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని, తక్షణమే రాష్ట్ర గవర్నర్ చొరవ చూపి రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని కోరారు. సార్, వాట్ ఈస్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఆర్టీసీ స్ట్రైక్? ప్రెస్ ఫ్రెండ్స్ కో సబ్ కో నమస్కార్. బడా దుఃఖ్ ఔర్ తక్లీఫ్ కి బాత్ హై కి ఆర్టీసీ కే జో హమారే భాయీ హై వో లోగ్ కై ఫ్యామిలీస్ మే సే సుసైడ్ కర్ లియా. వో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ये सोचना चाहिए कि वो इंडिविजुअल एक आरटीसी फैमिली का जो सुसाइड किया है वो नहीं मर गया है, उसके पीछे पूरा फैमिली जो है मर गया है. ठीक है, ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सबको पता है जो पॉलिटिकल इशू इसको जो दूसरी पार्टियां बना रही हैं, हम किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन आप ये सोच लीजिए तेलंगाना एजेंडा का टाइम पे ही आरटीसी जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने केसीआर सीएम को 28% हाइक इन सैलरी जो है पूछा था. इन लोगों ने टीआरएस गवर्नमेंट आना करके बहुत सपोर्ट किया, इस वजह से सीएम केसीआर ने उसके ऊपर पर्सनल ओपिनियन दे के उनके बेनिफिट के लिए 28% को छोड़ के 43% उन्होंने किया केसीआर ने. तो दैट इज ऑन रिकॉर्ड, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज ऑन रिकॉर्ड. बट द पॉलिटिकल पार्टीज जो अभी चल रहा है एवर एम मैटर तो अभी 28% कोसम इनका 43% हाई देश में दिन कोसम एवर पॉलिटिकल पार्टी मैटर तो అది పద్ధతి కాదు, తరీక కాదు. మీ పొలిటికల్ ఎజెండా విషయంలో గరీబ్ వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నాడు. ఆర్టీసీ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఏ దోనో కా జో బీచ్ మే డిస్ప్యూట్ చల్ రా హై, లాస్ హో రా హై, ఉస్కా ఎస్టిమేట్ లగానా బహుత్ ముష్కిల్ హై, జిస్కి రికవరీ జో హై లాస్ట్ మే జో హై యే పూరా కా పూరా లాస్ జో హై పబ్లిక్ కే ఊపర్ హీ ఆకే గిరేగా, పబ్లిక్ సే హీ రిఫండ్ కరేగి యే గవర్నమెంట్. తో మేరీ पर्सनल ओपिनियन है इस चीज में जो है पब्लिक जो है बहुत परेशान हो रही है, जो पुअर पब्लिक है, जो 10 रुपए का काम बस में जाके 10 रुपए में जा सकते हैं उसी के लिए किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को स्कूल जाना है, स्कूल के बच्चे परेशान है, ऑफिशियल्स परेशान है, गवर्नमेंट ड्यूटी वाले परेशान है, ऑफिशियल प्राइवेट ड्यूटी वाले परेशान है, जनता परेशान है एक दो लोगों का वजह से जनता को नुकसान है. ठीक है ना, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है और सजेशन है केसीआर सीएम को कि भैया आपस में ये डिस्प्यूट खत्म करने का एक ही तरीका है, आप आमने सामने बैठिए, आप बात नहीं करोगे सुसाइड होते रहेंगे, यू विल बी द ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिकॉज गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव फूड, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी एंड ऑल द बेसिक नीड्स डेली. ठीक है ना, तो आप बैठ के इस चीज का सॉल्यूशन निकालो, इसमें पूरे स्टेट में शांति हो जाएगी. ठीक है ना, ये जो पब्लिक का पब्लिक को तकलीफ, सबको तकलीफ है, सबको तकलीफ है. आप अपने ऑफिस से निकल के आरटीसी के जो स्टाफ है उनसे बैठ के बात कीजिए, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सुनिए. 1920 हो सकता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. व्हाट इज द रीजनेबल थिंग यू एग्री फॉर दैट? आप बैठ के इसमें मतलब विदाउट मीटिंग हाउ कैन यू फिनिश दिस? ये जो लड़ाई चल रहा है पूरे स्टेट में, जिस चीज का फायदा पूरी पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही है, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, कुछ लीडर्स भी हैं जो कि इस चीज का बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं, उसमें नमक मिर्च मसाला डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है. लोगों की फैमिलियां उजड़ जा रही है ये स्ट्राइक का वजह से. और मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू द गवर्नर ऑफ द तेलंगाना स्टेट, अगर यही सिचुएशन चलता है तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है राष्ट्रपति जी से और गवर्नर ऑफ द स्टेट से, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन आई एम द चीफ ऑफ तेलंगाना स्टेट फ्रॉम प्रजासत्ता पार्टी, किसी की लाइफ जा रही है,
गवर्नमेंट की वजह से, और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक नहीं है, कोई सिस्टम ठीक नहीं है, अत्याचार है, ये पब्लिक के साथ अत्याचार है, एक डिपार्टमेंट आरटीसी का वजह से पूरी पब्लिक को परेशान है।